आज की वीडियो बनाने का पर्पस है फेस्टिवल ग्लो के बाहर जाने के प्लान्स हैं, तो इससे अच्छी रेमेडी कोई और हो ही नहीं सकती। आप अच्छा दिखना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन चाहिए, टैन फ्री बॉडी चाहिए, तो ये रेमेडी बहुत काम की है। इस रेमेडी के लिए हमें जो भी चाहिए वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसे अप्लाई करेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम हमेशा से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमें कोई फेस्टिवल अटेंड करना है, या घर में कोई फेस्टिवल है या पूजा है या कोई पार्टी अटेंड करनी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई हो, फेस के साथ साथ हमारी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखनी चाहिए। तो आज की रेमेडी उसी पर्पस को सॉल्व करेगी, क्योंकि आज जो हम बनाने वाले हैं रेमेडी, वो आपको एक ग्लोइंग और एक शाइनी स्किन देगी। आज की वीडियो में हम एक उपटन बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी है। घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि इजीली अवेलेबल हैं आपके आसपास, और आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, घर में ही मिल जाएंगे इनफैक्ट। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बनाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो है व्हीट फ्लावर, जो कि हमें 4 चम्मच के बराबर चाहिए, यानी गेहूं का आटा। दूसरा जो है वो है ग्राम फ्लावर यानी बेसन, वो हमें 2 चम्मच के अराउंड चाहिए। तीसरा है हमारा हल्दी। चौथा है हमारा टमाटर। टमाटर अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है मिल्क। मिल्क रॉ है तो बहुत अच्छा है, अगर रॉ मिल्क नहीं है तो बॉइल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा बॉइल्ड। फिर जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है बादाम का तेल। फिर नेक्स्ट है हमारा नारियल का तेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी बनाना। के लिए सबसे पहले हम एक बोल में ले लेंगे 4 चम्मच के बराबर व्हीट फ्लावर। फिर हम उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के बराबर बेसन। उसके बाद देखिए, जो गेहूं का आटा है और बेसन है, ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इंस्टेंट स्किन लाइटनिंग दे सकते हैं, स्किन को आपकी ब्राइट कर सकते हैं। एक बार के यूज़ से आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी मैं यहाँ पर कस्तूरी हल्दी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है और आप किचन की हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो क्वान्टिटी को कम कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच के अराउंड नारियल का तेल ऐड करूंगी। फिर हम जो है 1 चम्मच के बराबर ही बादाम का तेल ऐड करूंगी। देखिए, नारियल का तेल हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। बादाम का तेल जो होता है वो हमारी स्किन पे ब्राइटनिंग का काम करता है, क्योंकि बादाम का तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, इसलिए हम यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर बादाम का तेल यूज़ करेंगे। फिर मैं यहाँ पर 1/2 से 1 चम्मच के बराबर टमाटर का रस ऐड कर दूंगी। मैं ऐसे ही स्क्वीज करके टमाटर का रस निकाल रही हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप इसे जो है ग्राइंड करके भी, पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो लेमन का यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसमें धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करूंगी। एक बार में नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि लम्स बन जाते हैं फिर वो, जब हम जो है अपने उपटन लगाते हैं स्किन पर, फिर वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर देता है। तो फिर मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके ऐड करूंगी मिल्क, ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, एक स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। ये मैंने तैयार कर लिया है। जब आपको ऐसी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी तो बस समझ जाइएगा कि ये उपटन बहुत अच्छे से वर्क करेगा। हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन करके भी दिखा रही हूँ। मैं अपने पैरों पर इसका एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं अपने पैरों पर इसे लगा लूँगी अच्छे से। लगाने के बाद देखिए, इसका जो हटाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो ऑप्ट कर लीजिएगा। इसे अच्छे से अप्लाई करना है आपको, जिस भी बॉडी पार्ट पे अप्लाई करना है, आप इसे पूरी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद ये हल्का सा ड्राई हो चुका है, अब हम इसे रिमूव करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करने वाली हूँ। तो आपका जो फर्स्ट तरीका है वो ऐसे ही आप इसे रब करके हटा दीजिएगा। रब करके हटाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, और जो है आपका जो भी टैन होगा या जो भी स्किन इशू होगा वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा।
अंदर से सारे जो है डेड स्किन आपकी बाहर आ जाएगी अगर आप इस तरह से रिमूव करेंगे तो फिर दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिल्क लेना है। मिल्क लेने के बाद आपको वहाँ पर अपने, जैसे मैं अपने पैरों पर उसे पैट कर रही हूँ, पैट करने के बाद आपको क्या करना है, उसे हल्के हाथ से मसाज करनी है। मसाज करते करते आपको जो है थोड़ी देर 5 से 7 मिनट तक आपको ऐसे ही मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप इसे वॉश ऑफ कर लेंगे। देखिए जो मिल्क वाला मेथड है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत ही डिफरेंट आपको एक ग्लो मिलेगा, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। तो आप मेरे हिसाब से अगर माने तो सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा क्योंकि वो बेस्ट है। और वैसे भी फेस्टिवल पे या पार्टी पे अगर आपको जाना है तो बेस्ट ही ग्लो चाहिए ना, तो फिर इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।